चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए। जरा सुने क्या बोले पूर्व सीएम। आपको लगता है कि ये जो कृषि कानून तीनों है जो गलत है, कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हैं, तो आपको कैसे लगता है कि ये क्या चीज होनी चाहिए तो सही होती है कानून? मैंने बताया था ये लेके आया चौथा कानून न्याय कि एमएसपी से कम कोई भी खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान किया जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। और ये अगर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो है किसानों को मार रही है कहीं ना कहीं, तो अगर ये खाते में पैसा जमा करवा रही है किसानों के ही बीजे बटवा रही है, तो ये लगता है कि ये अगेंस्ट है ये सरकार जो है? नहीं, देखिए ये अलग चीज़ें हैं। सब्सिडी कम होगी, खाद का भाव बढ़ गया तो वहीं से लेके वहीं देना, लेकिन सवाल ये है किसान को लागत जमा 50% नहीं मिलेगा तो खेती सस्टेनेबल नहीं रह सकती। तो आप क्या कहेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो क्या चीज़ करे तो जो किसान है इस तीन कानून के फेवर में जाएंगे या फिर क्या चेंजेस लाए? MSP का भाव स्वामीनाथन के सीटू फार्मर से दे दे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।